वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं आगे हूँ मेरे ससुराल में, क्योंकि आज है इलेक्शन डे। आज है 19th of April, आज इलेक्शन डे है हमारे यहाँ पे। तो इसलिए ना हम लोग कल रात को ही यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि हमें वोट देना है ऑफकोर्स। अभी टाइम है सुबह के 11:30 बज चुके हैं। तो हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं ऊपर का पूरा घर वर मैंने पूरा सेट कर दिया, झाड़ू बारू लगा दिया मैंने, मतलब ऊपर का काम मेरा हो गया है। अभी मुझे नीचे जानी है, तो नीचे जाके मम्मी को हेल्प करनी है लंच बनाने के लिए। और पता है कुछ देर बाद बॉबी भी आने वाली है, तो बॉबी पिंटू दोनों आएंगे, क्योंकि बॉबी वोट देने आ रही है यहाँ पे। तो उसने ना अपना एड्रेस जो है ना, जो वोटर कार्ड का एड्रेस होता है, उसने अभी तक चेंज नहीं किया है। तो उसका वोटिंग सेंटर अभी भी यही पे है, तो वो आ रही है। आई थिंक आधे घंटे में वो लोग पहुंच भी जाएंगे यहाँ पे। और ध्यान नीचे खेल रहा है, गर्मी पड़ गई है यार, गर्मी लग रही है काफी ज्यादा। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दिया है, ये मम्मी की बेड है, और फिर यहाँ ये है बॉबी एंड पिट्टू की बेड, जो मैंने अभी अभी जस्ट यहाँ पे चद्दर वद्दर सब कुछ मैंने फ्रेश बिछा दिया है, क्योंकि वो लोग जस्ट अभी अभी आने वाले हैं। एंड पूरे घर को मैंने क्लीन कर दिया, झाड़ू वारू लगा दिया है, और पोछा ना ऊपर का लगता नहीं है ज्यादा, वीकली एक बार दो बार लगता है पोछा, क्योंकि ऊपर में ज्यादा कोई रहता नहीं है, तो मैंने झाड़ू भी लगा दिया है। तो अभी मैं नीचे जाऊंगी नीचे। तो मम्मी ने ना पूजा भी कर दिया है सुबह सुबह, तो अभी मैं जाती हूँ नीचे और थोड़ा बहुत हेल्प कर दूं। और मेरे पीछे जो ये कार्टून देख रहे हो ना, ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि हम लोग मम्मी पापा को उनके एनिवर्सरी में एक कूलर गिफ्ट किया था, तो वो है यहाँ पे। तो कल ना पापा बोल रहे थे कि ये कूलर थोड़ा सा चला के भी दिखाना हमें, क्योंकि हम लोग नहीं थे और अभी तक इतना ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी थी, तो इसलिए कूलर चलाने का मतलब टाइम नहीं आया अभी तक। इतना तो गर्मी अभी तक यहाँ पे नहीं पड़ी है, लेकिन अभी जैसे थोड़ी बहुत पड़ना स्टार्ट हो गई है। मैं थोड़ी थोड़ी स्वेट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो आज इस कूलर को हम लोग चलाएंगे, है ना? हाँ, आज इस कूलर को चलाएंगे। तो पापा बोल रहे थे कि हमें भी सिखा देना कि कूलर कैसे चलाना होता है, क्योंकि रहते तो हम दोनों ही हैं। और नीचे देखो, विहान ने पूरा अपना खिलौना विलौना यहाँ पे पूरा ऐसे उलट पुलट करके रख दिया है, और विहान है कहीं और। कहाँ गया तुम वहां पे ऐसे क्यों बैठे हो? कहाँ गया विहान? घूमने गया है। किसके साथ? दादाजी? अपने दादान के साथ घूमने गया। ओ जी बाबा सुनिया, सुना बाबा क्यों नहीं आसे? जाओ जाओ जाओ। और बाबा ने काफी सारा सामान शॉपिंग करके लेके आ गए। बाबा लेके आ नहीं पा रहे। बाबा गए थे कैंटीन, तो वहां से कुछ कुछ शॉपिंग किया उन्होंने, बहुत सारा कुछ। वो काशे थे कैसे हो है? और ये सोफा जो है ना, मम्मी ने एक बार सुबह ठीक किया, फिर मैंने कुछ देर बाद ठीक किया, और फिर ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि व्यान पूरा ऐसे कर देता है। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं किचन में। तो मम्मी यहाँ पे जोरों शोरों से खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं हेल्प करने के लिए आ गई। थोड़ा सा सब्जियों को चॉपिंग वगैरह करनी है, और मम्मी ने शेखर को भी बुला लिया कि तू बैठ के मोबाइल ही देख रहा है, तो हाँ यहाँ पे हमें लहसुन थोड़ा सा छिलके दे। तो शेखर यहाँ पे लहसुन छिलने का काम कर रहे हैं। तो आज ना जैक फ्रूट बनेगा, जैक फ्रूट की सब्जी हमारे यहाँ पे श्रिम्प के साथ बनाया जाता है, मतलब एचोट चिंगड़ी एक बंगाली डिश है, वो बनेगा। तो इसके लिए लहसुन चाहिए होगा, और एक फिश करी बनेगी थोड़ा सा सब्जियों के साथ, ध्यान के लिए अलग से। तो मैं वहाँ पे सब्जियों को चॉप कर रही हूँ, तो कुछ ऐसे ऐसे चीजें बनेगी। यह बेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई थिंक स्टोन एप्पल, अच्छा अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका शरबत पी रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा।
गर्मियों के टाइम, और हमारे घर में ही ना इसका बड़ा सा पेड़ है और इतने बड़े बड़े साइज का होता है, तो अभी इसका शरबत बनेगा। वेलकम। आके कुछ खाओ। दोपहर के 1 बजे और अभी मैं, मम्मी और शैकत हम तीनों जा रहे हैं वोट देने। ओ अच्छा, मैं तो वोटर आई कार्ड लेना ही भूल गई। तो ये है हमारी वोटर आई कार्ड और अभी जा रहे हैं वोट डालने। मैं, मम्मी और शैकत हम तीनों जाएंगे और बॉबी ना आते वक्त, और बॉबी आते वक्त वोट डाल के चली आई है। तो अभी हम दोनों ही बच्चे हैं और बाबा सुबह सुबह जाके वोट डाल के चले आए हैं। क्यों बोलो, सबका खाना पीना होते ही हम लोग ऊपर चले आए हैं और आज ये कूलर को हमें मतलब ओपनिंग करनी है। तो इतने दिनों तक ये कार्टून के अंदर ही भरा हुआ था, तो अभी अभी गर्मी पड़नी स्टार्ट हो गई है, तो अभी कूलर चलाने का मतलब टाइम जस्ट होने लगा है। अभी तक नहीं आया है, इतना ज्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिनों बाद आई थिंक मई महीने से अच्छे से गर्मी पड़ जाएगी यहाँ पे, तो तब कूलर का यूज होगा। तो हम लोग यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, मतलब शेकर डाल रहे हैं, और मतलब बाबा को भी दिखानी है, मम्मी को भी सिखानी है कि कैसे ये ऑपरेट करता है, कैसे चलता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी चेक कर रहे थे और भयान का हैप्पीनेस आप देख सकते हो यहाँ पे। और एक बहुत ही अच्छी सी नींद लेने के बाद फिर शाम को हमने टिया एंड शत्रुदा को बुलाया घर पे कि हम लोग अभी जा नहीं पाए, तो तुम लोग ही आ जाओ यहाँ पे, और सारे लोग हैं यहाँ पे तो बैठेंगे, बातें करेंगे, मस्ती मजाक होगी ये सब, तो इसलिए बुलाया। तो वो लोग आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टिया के साथ, टिया एंड शत्रुदा के साथ व्यान खेल रहा है, तो खेलना कुछ ऐसा ही होता है उन लोगों का। और व्यान के साथ शत्रुदा का बॉन्डिंग कुछ अलग ही है, तो व्यान और शत्रुदा बहुत अच्छे से काफी देरों तक मतलब प्ले करते हैं एक दूसरे के साथ। और अभी शैकत आ गया है किचन में क्योंकि उनको एक स्पेशल रेसिपी बनानी है। तो दोपहर को खाना खाने के टेबल में बैठ के ही ना वो एंड पिंटू दोनों ने डिसाइड किया कि रात को चिकन बनेगा और शैकत चिकन बनाएगा, कुछ स्पेशल रेसिपी बनाएंगे। तो शैकत बोल रहे हैं कि वो आज बनाएंगे लेमन पेपर चिकन, जो वो पहली बार बनाने जा रहे हैं, और शैकत का कुकिंग का क्या ही कहना, वो बहुत अच्छा कुकिंग कर लेता है। तो यहाँ पे ना काफी सारा इंतजाम ऑलरेडी उन्होंने कर लिया है, तो चिकन को वॉश करने के बाद अदरक लहसुन और लेमन जूस और फिर ब्लैक पेपर पाउडर और फिर 2-3 चम्मच दही भर भर के डाला है, और सब मिलके इसको ना फिर मैरिनेट करके वो रख देंगे फॉर 1.5 आवर। उसके बाद वो बनाएंगे, और ना ये जो रेसिपी है ना ये बिना प्याज के बनेगा, ठीक है। और हाँ, इसमें नमक भी डाला है, मैं बोलना भूल गई, बिना प्याज के बनेगा, लेकिन इतना ज़बरदस्त बना है ना, इतना ज़बरदस्त बना है बिना प्याज के। मैं सोच रही थी कि बिना प्याज के चिकन बनाओगे कैसा लगेगा, लेकिन सब ने तारीफ किया, सब ने बहुत ज्यादा तारीफ किया।
तो चिकन को यहाँ पे मैरिनेट करके छोड़ दिया है और हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। तो व्यान यहाँ पे नीचे खेल रहा था, तो व्यान के साथ बॉबी भी थी और हम लोग सब लोग मिलकर बैठ के यहाँ पे काफ़ी देर तक हमने बातें शातें किया। बहुत कुछ हमने प्लान किया कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ट्रैवल प्लान बना। और मम्मी किचन में कुछ 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 काम कर रही थी, तो आप देख सकते हो। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा एक टाइम स्पेंड किया। आज टिया एंड शतनुदा को भी हमने कहा कि यहीं पे डिनर करके जाना, और शैकत ने ऑलरेडी चिकन चरा दिया है, उसने मुझे बुलाना भूल गया। तो वो बोल रहे थे कि मो आ जाओ, मैं भूल गई तुम्हें बुलाना, तो तुम रिकॉर्ड कर रहे थे। तो यहाँ पे ना खड़ा गरम मसाला डाल के फिर चिकन को चरा दिया और काफ़ी देर तक उन्होंने इसको भूना है। और फिर भूनते भूनते जब अच्छे से चिकन मतलब कुक हो जाए ना, तब इसमें डाला है उन्होंने फिर से लेमन जूस थोड़ा सा, और फिर इसको चलाएंगे थोड़ी देर के लिए। और ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया प्रॉपरली, लेकिन जितना हो सके मैंने आप लोगों को दिखाया। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा योगर्ट भी डाला है, और हाँ बहुत सारा आपने गार्लिक देखा था ना, तो गार्लिक एंड अदरक जो है ना वो एकदम फाइनली चॉप करके बीच में डाल दिया था, ठीक है। और अभी लास्ट में काफ़ी सारे स्लीट किया हुआ ग्रीन चिलीज भी उन्होंने डाला है, और इसमें ना ग्रेवी नहीं जाएगा, एकदम ऐसे सूखा सूखा रोस्ट टाइप ऐसा कुछ बनेगा। काफ़ी अच्छा बना था गाइस। और लास्ट में काफ़ी सारा धनिया पत्ता और गरम मसाला का साथ ये जो चिकन है ना, उन्होंने ये डिश कंप्लीट किया। इतना टेस्टी बना था, इतना अच्छा लगा। इसको ना आप ऐसे ही खा सकते हो, इसके साथ चावल नहीं जाएगा, रोटी के साथ हमने खाया, लेकिन इसको ऐसे ही अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे रोटी बेल रही हूँ, मम्मी ने फटाफट रोटियाँ जो है ना वो सेक किया है, क्योंकि हमने सोचा कि रोटी के साथ ही ये खाते हैं, चावल के साथ ज़्यादा ये नहीं जाएगा क्योंकि इसमें ग्रेवी नहीं है। और फिर यहाँ पे सारे लोग खाने के लिए बैठे, तो टिया एंड शतनुदा को पहले बिठा दिया, उनके साथ मेरे जो फादर इन लॉ है ना वो भी बैठ गए, और व्यान भी खाने के लिए बैठ गया। तो व्यान चावल खा रहा है और बॉबी उसको खिला रही है। तो बस कुछ ऐसा ही था आज का हमारा दिन, ऐसा ही था आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया है आज का ब्लॉग, देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपसे मिलती हूँ कि नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।